बैक टू चैनल नेम इज अंशिका एंड टूडे वीडियो इज अ ट्यूटोरियल वीडियो क्योंकि आप लोगों ने मेरा कॉमेंट सेक्शन इतना ज्यादा भर दिया था कि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था अब इसमें मैं और ज्यादा ढिले नहीं कर सकती थी क्योंकि एज अ बिगनर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो थम है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड बेसिकली मुझे पहले नहीं था आइडिया कि थमनेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं सिर्फ उसमें टाइटल लिख देती थी एंड दैट सेट ज्यादा हो तो बॉर्डर लगा दो तो बस खत्म बट uh, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर थमनेल आपका ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा तो ऑडियंस आपके पास ज्यादा आएगी तो इसलिए ट्राई करिएगा हमेशा कि आपका जो थमनेल है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए तो मैं आज एक बेसिक गाइड देने वाली

जो भी पिक्स आट फ्री वर्जन देता है उसमें सारा काम हो जाने वाला है सो so, हाँ हम चलते हैं पिक्सार्ट से एडिट करने के लिए ओके okay, तो जैसे ही आप पिक्सार्ट ओपन करेंगे ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन रहेगी एंड फिर प्लस ऑप्शन दबाने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी उसके बाद ऑल फोटोज एंड वहां से आपको सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड पे जो आपको दिख रहा है एक ऑप्शन बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड में रखना हो ये आपको यहाँ पे फ्री इमेजेस भी मिलेंगी और इसके अलावा एडवांस प्रो अगर आप खरीदते हैं इसका को जो भी एडवांस वर्ज़न है तो वो अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये सारी पिक्चर्स भी मिलेंगी बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी नीड नहीं है जब आपका काम फ्री में हो रहा है तो आप फ्री में भी कर सकते हैं सो यू हैव टू डू आपको सबसे ऊपर से आना है और जो कलर्स दिख रहे हैं ना उस पर जो सबसे आगे ऑप्शन है जो कलर आइकन का उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आपने ग्रीन में सिलेक्ट करा तो उसके बाद अलग अलग वेरायटी के आपको ग्रीन कलर्स मिल जाएंगे ब्लू पिंक ऑरेंज येलो उसके अलावा उनके सब कलर्स बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं मैं जिस भी कलर का आपको बैकग्राउंड बनाना है आप उसको पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं मैं यूजली आपसे कहूँगी कि आप लाइट कलर्स इस्तेमाल करिए डार्क कलर क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता है तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद आप फ़िट ऑप्शन पे जाएंगे एंड फ़िट के बाद आपको रेशियो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको 16 बाई नाइन रेशियो जो कि हमारा थम का कलर रहता है मतलब जो हमारा रेशियो रहता है यूट्यूब का तो उसे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी एंड इसके ऊपर आपको पूरा अपना थम जो है वो बनाना है तो सबसे पहले हम फोटोज़ ऐड करना सीखेंगे तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड फोटोज़ पर और मैंने ऑलरेडी पिक्स के आइकन्स डाउनलोड करके रखे हैं क्योंकि मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप पिक्सार्ट से एडिट कैसे कर सकते हैं तो मैं ये दो फोटोज़ ऐड करूंगी और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगेगा वहां पे मैं इसे ऐड कर दूंगी उसके बाद हम कुछ और फोटोज ऐड करेंगे तो मैं वो फोटोज ऐड करने के बाद आपसे मिलती हूँ ये मेरी सारी फोटोज़ है जो मैंने ऐड करी हुई हैं मतलब जो भी थमनेल्स मैंने फ्यूचर मतलब पास्ट में बनाए हैं तो वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि मेरी ऑडियंस को पता चल सके कि मैं किस टाइप के थामनेल्स आपको सिखाने वाली हूँ तो ये सारे थामनेल्स अगर आप चाहते हैं टोटली आपके ऊपर है आपको बैकग्राउंड में क्या लगाना है मैं यहाँ पर आज थामनेल एडिट कर रही हूँ अदरवाइज़ जो आपने कलर सेलेक्ट करा है उसके ऊपर भी आप लिख सकते कोई इशू नहीं है अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एक पर्टिकुलर इमेज को कट कैसे करेंगे सो आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद कट आउट ऑप्शन पर जाना है कट आउट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्सन पे क्लिक करना है तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन रहेगा उसमें से कट हो जाएगा अब इसमें जो मेन चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज आप हमेशा फोटोज़ पहले कैप्चर करेंगे ऑफ़ कोर्स तो फोटोज़ कैप्चर करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो फोटो आप कैप्चर कर रहे हैं वो एक प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए ताकि जब आप उसे इंस्टाग्राम से कट आउट करें तो वो पर्टिकुलर पर्सन कट आउट हो अदरवाइज आपको आजू बाजू का भी होने लगेगा तो वो इशू जाएगा उसके बाद आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं तो बॉर्डर आपकी ऑटोमेटिकली पिक्सट बना ना कर देगा सेम हम सेकेंड के साथ मैं आपको एक बार करके बताती हूँ आपको कट आउट ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके बाद बाद पर्सन 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 सेलेक्ट 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 करना है है करने के जो पिक है वो करके करके उसे कट करके आपको दे देगा तो उसके अलावा आप मतलब इरेज कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहें और फिर आपको बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो बॉर्डर आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप इस टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करने के दो तरीके हैं फर्स्टली हमें सब कुछ सेंड कर देना है जहाँ भी आपको मतलब अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस करने हैं तो वो आप अभी से लेकर अदरवाइज अगर आप एक बार टिक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप बैक नहीं जा पाएंगे सो तो इसलिए ये ध्यान में रखिए उसके बाद हम कुछ स्टिकर्स भी ऐड कर देते हैं स्टिकर्स में सबसे पहला है एरो जो मैं यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है मतलब थंबनेल पे तो एरो आपके पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड इसके अलावा एरो के अलावा आप जो भी सर्च करेंगे स्टीर ऑप्शन में आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा वहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड कुछ कुछ एडवांस वर्जन में है कुछ कुछ फ्री में भी है तो फ्री वाले आई थिंक सबसे बेस्ट रहते हैं क्योंकि फ्री में आपको अच्छा खासा काम हो रहा है तो कोई नीड भी नहीं है आफ्टर ऑल सो मैं यहाँ पे ये वाला एरो ऐड कर रही हूँ एंड उसके अलावा हम कुछ और स्टिकर्स ऐड करेंगे स्टिकर्स में आप चाहे तो आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकग्राउंड भी सर्च करना है तो आप बैकग्राउंड भी सर्च कर सकते हैं बॉर्डर सर्च कर सकते हैं जो कि मेन इंस्टाग्राम आइकन इमोजी ये सारे स्टिकर्स जब आप मेरे थंबनेल में देखते हैं तो ये सारे मैं स्टिकर्स ऑप्शन ऑप्शन से ही लेती हूँ एंड नेक्स्ट मैं कुछ और मतलब मैं बॉर्डर ऐड करना बता रही हूँ अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो आप अपने थंबनेल पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं बॉर्डर ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी नेक्स्ट इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी अगर आपको थंबनेल में कुछ लिखना है तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है सबसे पहले ड्रॉ ऑप्शन है ड्रा ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर पहले आपको अपना सिंबल सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरीके से सिंबल मतलब किस सिंबल पे आपको लिखना है मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप लिया है एंड उसके बाद आपको ड्रॉ करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल का कलर ऑप्शन से एंड ये एक ऑप्शन है इसके ऊपर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बट इसके अलावा जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ वो है स्टीकर ऑप्शन पर आपको जाना है एंड उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर टेप तो टेप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टेप मिल जाएंगे एंड ये जो बैंडेज टाइप के जो टेप्स आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लिखने में मतलब बैकग्राउंड के लिए सो so, आप मैं कोई एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड यूज़ कर लूँगी टेप यूज़ कर लिया मैंने एंड इसके ऊपर अब मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी अपना ये वाला मैंने ऐड कर लिया है अब यहाँ पर मैं लिखूंगी थमनेल एडिटिंग तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको थमनेल में जो भी लिखना हो एंड उसके बाद हम टेक्स्ट पर जाएंगे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थंबनेल एडिटिंग तो एडिटिंग पूरा लिखने के बाद आपको टिक करना है एंड वहाँ पे आप इसे ऊपर नीचे बड़ा आए दाए सब कुछ कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है फॉन्ट चेंज कर सकते साइज़ चेंज कर सकते कलर टेक्स्ट बॉर्डर सब कुछ चेंज हो जाता है मैं पर्टिकुलरली जो मेरे बैकग्राउंड के साथ मतलब जो मेरे थंबनेल के साथ कलर जाएगा तो उस हिसाब से मैं चूज़ करूँगी मैं यहाँ पे आज ग्रेडियंट कलर मतलब ग्रेडियंट फीचर यूज़ करूँगी जिसमें आपके दो कलर आप यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में तो ग्रेडियंट आपके जो भी थंबनेल से कलर जा रहा है मैं यूजली ब्लैक या फिर मतलब जो भी हाँ आप कर सकते हैं सो so, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है अपना कलर एंड उसके बाद हम बॉर्डर एक्स बॉडर उस पर लगाएंगे ऑफकोर्स एंड वो बॉर्डर आप देख सकते हैं ब्लैक वाइट यही दो ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं तो मैं यहाँ पे वाइट बॉर्डर के साथ आ जाऊँगी एंड उसके बाद आपको टेक कर देना है दैट्स इट एंड ये आपका एक बेसिक थंबनेल तैयार हो गया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी है एंड अगर इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आज पिक्स आर्ट के कुछ अम, मतलब जो भी उनके पास आइकन्स अवेलेबल रहते हैं तो मैंने यहाँ पे पिक्स आर्ट आइकन लिया है एंड इसके बाद मुझे बहुत सारी वरायटीज़ मिल गई ऑलरेडी सो so, मुझे कोई नीड नहीं थी वैसे डाउनलोड करने की बट ऑलरेडी मैंने कर लिया है तो इट्स ओके यहाँ पे मुझे ये वाला एक ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है सो so मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी बट ऑलरेडी मुझे लग रहा है शायद बहुत ज़्यादा पिंक ऑलरेडी ऊपर मैंने वो वाला आइकन ऐड करा हुआ है तो मैं शायद इसे उठा के इधर रख दूँ तो अब ज़्यादा सही लग रहा है बट नहीं वहाँ पर ऑलरेडी एरो है तो इसलिए मैं यहीं पर रखना चाहूँगी एंड इसके अलावा मैं एक और ऑप्शन ऐड करूँगी दैट इज़ यूट्यूब का क्योंकि यूट्यूब का हम हम आफ्टर ऑल बना रहे हैं तो यूट्यूब का भी नीचे कहीं तो मिल ही जाएगा तो नीचे हम जाते हैं तो हमें यूट्यूब का भी मिल गया या तो YouTube का जो आइकन है ये वाला तो मैं इसे ऐड करूँगी और वो एरो के नीचे लगा दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आफ्टर ऑल YouTube का थंबनेल बन रहा है ऑफ़ कोर्स तो ये मैंने लगा दिया एरो के नीचे एंड अब मुझे लग रहा है शायद वो वो का जो थम आइकन है वो ज़्यादा पिंक पिंक लग रहा है तो ये मैं हटा दूंगी एंड इसके अलावा जो ब्लैक वाला आइकन मैंने देखा था वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है आई गेस तो इसे हम साइज छोटा कर देंगे और वहां पे जहाँ पर्टिकुलरली वो जगह छोटी सी दिख रही है वहां पे हम इसे ऐड कर देंगे तो अब ज्यादा बेटर लग रहा है ये तो ये मेरा थंबनेल जैसा मैंने सोचा था ये वैसा बन गया है आपको हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज उस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऐसी आपके लिए आती रहेंगी so yeah,